नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कई ऐसी वायरल वीडियो सामने आती रहती है जिसको देखकर हम और आप हैरान हो जाते हैं। एक ऐसी ही वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। वीडियो में SRN हॉस्पिटल के डॉक्टर एक मरीज को जूतों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर द्वारा मरीज की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो मरीज की पिटाई की जा रही है वो कोरोना संदिग्ध है। मामला मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित SRN हॉस्पिटल का है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए इसका खंडन किया है। पुलिस का कहना है कि मरीज आयुष शुक्ला ने अपने हाथ की नस काटकर अस्पताल पहुंचा था, लेकिन किसी बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना आगे बढ़ गया कि डॉक्टर ने उस युवक की खूब पिटाई की। उधर डॉक्टर ने भी मरीज पर मारपीट का आरोप लगाकर केस दर्ज किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संदेश में आत्मनिर्भर बनने और देश में बनी चीजों को खरीदने का आह्वान किया था। PM की इस अपील का पालन करते हुए CAPF की कैंटीनों में अब स्वदेशी उत्पाद भी बेचे जाएंगे। इसी को लेकर चेतन भगत ने निशाना भी साधा है और उन्होंने ट्वीट किया है। चेतन भगत ने अपने ट्वीट में कहा है कि आत्मनिर्भरता के नाम पर जबरन घटिया उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मशहूर राइटर चेतन भगत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को घटिया उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। आत्मनिर्भरता का मतलब होना चाहिए कि भारतीय उत्पादों को इतना शानदार बनाया जाए कि लोग दूसरे उत्पादों को छोड़कर देश के उत्पादों को गहन करें। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।